दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। क्या आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से किया हो और कुछ सालों में अच्छा खासा पैसा बना लिया हो या जबरदस्त प्रॉपर्टी का मालिक बन गया हो? क्या आपके मन में ये सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनके पास पैसों का ढेर लग जाता है? और अगला सवाल ये आता है कि एक आम आदमी अपने जीवन स्तर को बेहतर जीवन शैली में कैसे बदल सकता है? अगर आप भी पैसा कमाने की तीव्र इच्छा रखते हैं या शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक भी वाक्य को मिस मत कीजिएगा। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से अमीर बनने का फार्मूला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी सोच को एक सही दिशा प्रदान करे। अगर एमटेक चैनल में ये आपका पहला विजिट है तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन के आल बटन घंटी को जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे सटीक रास्ता ये है कि आप गुजरते वक्त के साथ अधिक से अधिक धन कमाने के स्रोत तैयार करें। अगर आपने 5-7 स्रोत तैयार कर लिया तो आप निश्चित ही अच्छा पैसा बनाकर अपने या अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बतलाने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं धन कमाने के स्रोत कैसे तैयार किया जाता है। पहला सोर्स, 18 से 25 वर्ष के बीच कोई बिजनेस या जॉब की शुरुआत कर लीजिए। यह आपका पहला इनकम सोर्स होगा। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ अमन बहुत मुश्किल से 21 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके पिता जैसे तैसे परिवार का खर्च चला पाते थे। आर्थिक तंगी और गरीबी ने अमन के आगे की पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिया। उसने अभाव की जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा था, इसलिए घर के सामने वाले हिस्से पर बिजनेस करने का निर्णय लिया। उसने अपनी जिंदगी का पहला इनकम सोर्स के रूप में बिजनेस स्टार्ट किया। वक्त के साथ उसे सफलता भी मिला, लेकिन इस इनकम से वो संतुष्ट नहीं था। इस तरह आप भी पहला इनकम सोर्स बिजनेस या जॉब से बना सकते हैं। दूसरा, अपने हॉबी को अपने दूसरा इनकम का सोर्स बनाएं। जरा गौर कीजिए कि आपका हॉबी क्या है और उसे किस तरह दूसरा इनकम सोर्स के रूप में आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अमन एक किसान का बेटा था और अपने पिता के कृषि कार्य में सहयोग किया करता था, उसे कुछ उगाना, कुछ नया करने का बहुत शौक था। इसलिए उसने अपने इस आदत को प्रॉफिटेबल तरीके से यूज करने का निर्णय लिया। उसने घर के पीछे वाले खुले मैदान को नर्सरी में तब्दील कर दिया। सुबह वो 2 घंटे अपने नर्सरी में गुजारता और बाकी काम अपने एक वर्कर को समझाकर अपने शॉप चला जाता। इस तरह से उसने अपने हॉबी को अपने दूसरे इनकम का जरिया बना लिया। तीसरा इनकम सोर्स, बिजनेस या जॉब जो आप करते हैं और आपका हॉबी, इन दोनों स्रोत से होने वाली आय से अपने परिवार के लिए एक आपातकालीन फंड बनाएं, जिसमें नियमित रूप से निवेश करें। इस मद से मिलने वाला ब्याज आपके तीसरे इनकम का स्रोत होगा। अमन ने भी यही किया। उसे 2-3 साल अपने बिजनेस और नर्सरी को बेहतर स्थिति में लाने में लग गया। रनिंग कंडीशन में आने के बाद इन दोनों स्रोत से होने वाली आय का कुछ हिस्सा परिवार की सुरक्षा मद के रूप में एक फंड में वो नियमित सेविंग करना शुरू कर दिया और उससे मिलने वाला ब्याज उसका तीसरे इनकम का जरिया बन गया। चौथा पॉइंट, इन तीनों फंड से होने वाली आमदनी को अमन ने सही जगह पर निवेश करने का निर्णय लिया, जो उसके चौथा इनकम सोर्स में बदल जाएगा। उसने सोचा कि वो 4-व्हीलर्स खरीदकर भाड़े पे लगा देगा या SIP PPF जैसे लॉन्ग टर्म की योजना में निवेश करेगा, जो 10-15 साल बाद एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, या ऐसा ही किसी बेहतर प्रॉफिट देने वाले क्षेत्र में निवेश करेगा जो उसका चौथा इनकम का जरिया बन जाएगा। दोस्तों, यही है चौथा इनकम सोर्स, अपने तीनों स्रोत से होने वाली आय को सही जगह में निवेश करना। अब बारी है पांचवें इनकम सोर्स का। तो अमन 21 वर्ष की आयु में बिजनेस स्टार्ट किया और चौथे इनकम सोर्स तैयार करने में या यहां तक पहुंचने में कुछ 7 या 10 वर्ष लग जाता है। मेरे कहने का मतलब, अमन अब 30 साल का मैच्योर व्यक्ति बन चुका है। उसने अपने जीवन को एक बेहतर स्टार्टअप दे दिया है। उसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हो चुके हैं जो लगभग 5 से 7 वर्ष के होंगे।
जो कुछ घरेलू कार्य में थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगते हैं। अमन अपने अथक परिश्रम से अपने जमीन के टुकड़े को 3 परिवार के रहने योग्य बनाकर उसे किराए पर दे देता है। मेरे कहने का मतलब, पांचवें इनकम सोर्स के रूप में रेंटल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है। छठा इनकम सोर्स। थोड़ा और वक्त गुजर जाता है, अमन की उम्र लगभग 40 से 45 साल का हो जाता है और अब वो अपने लाइफ पार्टनर के हॉबी को एक इनकम के जरिया में तब्दील कर देता है। वो पत्नी की देखरेख में एक घरेलू व्यवसाय को स्टार्ट करता है। आसपास के कुछ महिलाओं के द्वारा पापड़ बनाना, कपास रुई की पूजा बत्ती तैयार करवाना, ये व्यवसाय भी वो स्टार्ट करवाता है, जिसे मार्केट तक पहुंचाने का काम अमन देख लेता है। और इस तरह से वो अपनी धर्म पत्नी के सहयोग से छठा इनकम सोर्स तैयार कर लेता है। दोस्तों, अपने लाइफ पार्टनर के रुचि या हॉबी को एक व्यवसाय में कन्वर्ट करना, ये एक व्यक्तिगत विषय है जिसे बेहतर सामंजस्य और सूझबूझ से क्रियान्वित किया जा सकता है। इनकम सोर्स नंबर 7। किसी व्यक्ति के पास जब 6 अलग अलग सोर्स से इनकम आने लग जाए तो पैसों का ढेर लग जाता है, साथ ही अनुभव, आत्मविश्वास का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत भी आ जाता है। और इस स्थिति में पहुंचकर वो चाहे अमन हो या आप हो, किसी ब्रांडेड कंपनी का डीलरशिप, पेट्रोल टंकी का डीलरशिप, किसी बाइक का शोरूम, ट्रांसपोर्टिंग आदि किसी भी बड़े बिजनेस को 7वें इनकम सोर्स के रूप में तैयार कर कुछ ही समय में अमीर बना जा सकता है। दोस्तों, जिन्हें हम कुछ सालों में अपनी आंखों के सामने अमीर बनते देखते हैं, उसके पीछे केवल उनका शारीरिक परिश्रम ही नहीं होता, अपितु लगातार अपने आमदनी के स्रोत की संख्या में वृद्धि करना होता है। मैंने तो केवल सिलसिलेवार उन्नति करने का एक उदाहरण दिया है कि एक आम आदमी अगर ठान ले, जीत पे अड़ जाए, तो हर विपरीत परिस्थितियों को पार करके अमीर बन सकता है। इन आय के स्रोत वाले क्रम को अपनी सुविधा के अनुसार पहले और बाद वाले क्रम में भी रखा जा सकता है। दोस्तों, 11 दिसंबर 2020 की रात केबीसी के हार्ट सीट पर बैठने वाली डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, जो एक एक्सीडेंट में अपना पैर खो चुकी थी, लेकिन अपने जुनून और जिद के कारण दुनिया के 7 प्रमुख शिखर पर स्केल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने शो के अंत में अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर दुनिया के लोगों को बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया था कि पहले आप अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए और उस पर इतना फोकस हो जाइए कि आपके जीत के सामने भगवान को आपके लक्ष्य को देना ही पड़ जाए। दोस्तों, आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं, ये मायने नहीं रखता। अगर आपने ठान लिया और अपनी पोजीशन के साथ अपने आसपास बिखरे अवसर को अगर बारीकी से गौर करेंगे, तो आपको भी संभावनाओं के बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। बस एक डिसीजन लेने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आप किसी की जिंदगी बना नहीं सकते, तो कम से कम अपने महत्वाकांक्षी दोस्तों और रिश्तेदारों को ऐसे वीडियो जरूर शेयर करें जो उनके जिंदगी को सही दिशा प्रदान कर सके। अगर ये वीडियो भी आपकी नजर में शेयर करने योग्य हो, तो इसे भी शेयर अवश्य करें। हो सकता है बदले में वो भी आपको आपके रुचि और पसंद का कोई ऐसा वीडियो शेयर करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। और हाँ, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, वंदे मातरम।